भदोही लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे ललितेश पति त्रिपाठी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वो हाल ही में नैनी जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग से मिलने गए थे, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें LIU रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनकी मुलाकात नहीं होने दी। त्रिपाठी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया। आपको बता दें कि ललितेश त्रिपाठी ने दावा किया कि भाजपा को जाहिद बेग की सीट पर कब्जा करने की कोशिश में सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा और सभी 9 सीटों पर भाजपा की हार तय है। देखिए रिपोर्ट। आज हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सब लोग अपने प्रिय लोकप्रिय विधायक मानी जाहिद बेग से जो नहीं मिलने दिया जा रहा है, LIU की रिपोर्ट वहां नहीं पहुंची है, ये इसका इतराज हम सबको है और उसकी आपत्ति हम लोग दर्ज करना चाहते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के सदन में उठेगी क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, उनसे मुलाकात के अलग नियम होते हैं और उससे हम लोग को वंचित किया जाता है, उनको वंचित किया जाता है। वो हार्ट के मरीज हैं, उनका इलाज और उनकी देखरेख वहाँ पे सही तरह से हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और बेमानी की जो नीति है वो इस चुनाव को टालने में स्पष्ट रूप से हम लोग को दिख रही है। हम जनता की आवाज़ जो सुन रहे हैं मझुआ में और फूलपुर में विशेष करके, वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से ये चुनाव हारने जा रही है और 27 का भी चुनाव हारने जा रही है। ये लड़ाई देश के और उत्तर प्रदेश के वो लोग लड़ रहे हैं जो इस सरकार की विफलताओं से त्रस्त होके अपनी आवाज़ उठाने का मौका का इंतज़ार कर रहे हैं। निश्चित रूप से 9 में से 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। चुनाव को लेकर आप लोग जब गए थे जाहिद बेग से मिलने, तो क्या वहाँ पे बताया? वहाँ पे जहाँ पे पास बनता है बाहर, कंप्यूटर जहाँ पे लगा है नैनी जेल पे, वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने बोला जाहिद बेग से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। LIU की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। LIU की रिपोर्ट एक बहुत साधारण रिपोर्ट होती है, जिले से बन के जाती है, उसको बनने में मुझे लगता है कि अगर बहुत धीमी गति से बने तो साधारण कैदी के लिए 1 हफ्ते भी नहीं लगता है वो LIU की रिपोर्ट वहाँ पे पहुँचने में। माननीय विधायक के लिए 2.5 महीने बीतने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं पहुँची, ये दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और लगातार वो उसके शिकार बनते जा रहे हैं। अगर उनके LIU की रिपोर्ट जो मिलने के लिए नहीं जा रही है तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच और छानबीन किस तरह से हो रही है वो आप उसी से उसका अंदाज लगा सकते हैं। आप जानते हैं जान खतरा भी है। निश्चित रूप से वो जेल में किस परिस्थिति में है, जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे जानेंगे। वो एक अलग श्रेणी के कैदी होते हैं जो माननीय विधायक होते हैं, उनको अलग से बैरक उपलब्ध होता है, उनको अलग से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये कोई राजनीतिक द्वेष के कारण उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है हम लोग जब तक देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि उनको किस तरह से रखा गया है। और हार्ट का ऑपरेशन उनका 5 महीने पहले हुआ है, उनका चेकअप होना होता है, उनको दवा की ज़रूरत होती है, कैसे मालूम कि उनको सही दवा दी जा रही है समय से दी? हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भदोही विधानसभा नहीं जीत सकती है, जाहिद बेग साहब को नहीं हरा सकती है भदोही से, इसीलिए उनको रास्ते से अलग करके वो अपना सीट यहाँ पे जीतने की तैयारी कर रही है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और निश्चित रूप से जल्द जिला के प्रशासन की कार्रवाई में सुधार नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन भदोही जिले में होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के सारे साथी एक सुर में इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हैं। अच्छा, उपचुनाव चल रहा है, आप लोग का राजनीतिक क्षेत्र रहा काफी समय से मिर्जापुर, तो आप कह रहे हैं कि हम सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन जो पिछला अभी लोकसभा चुनाव हुआ है हाल ही में, रमेश बिंद अपने ही विधानसभा में जहां लगातार विधायक थे वो हार गए। वो देखिए, लोकसभा का चुनाव उनको समय भी कम मिला था, बड़ा क्षेत्र था उनके लिए, एक नया क्षेत्र था पूरा लोकसभा, वो लड़े और ऐसा नहीं है कि बुरी तरह से हारे, मामूली अंतर से वो हारे हैं। कुछ कमियां रही होंगी हम लोगों में, हम लोगों के पास भी समय नहीं था वहां पे पर्याप्त समय देने के लिए, एक माहौल था, उस माहौल का लाभ हम भी पूरी तरह से नहीं उठा पाए और हो सकता है किसी कारण से वो भी पूरी तरह से नहीं उठा पाए, इसीलिए हम दोनों साथी आज
उस सदन में नहीं है, हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं, लड़ते रहेंगे। जनता की जो बातें हैं, चाहे वो महंगाई का विषय हो, बेरोजगारी का विषय हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे, और जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है जिससे एक एक नागरिक, एक एक प्रदेश की जनता चिंतित है, इन सब आवाजों को हम लोग उठाते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब ये निश्चित रूप से कभी ये सुनने को नहीं मिला है कि बीच चुनाव में पोलिंग का डेट बदल जाए और कोई ठोस उसका कारण ना दे। ये जो बात चुनाव आयोग से निकल के आई है, अगर वो जब चुनाव का घोषणा कर रहे थे 45 दिन पहले, अगर कैलेंडर देख लिए होते तो उनको मालूम होता कि छठ का पर्व पड़ रहा है, अमावस्या पड़ रहा है, उस समय उनको ये सोचना चाहिए। ये बीच चुनाव में जाग जाना, ये दिखाता है कि चुनाव आयोग कितना निष्क्रिय है, और साथ ही साथ चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, ये इससे सिद्ध होता है। अरे किसके, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव जब समाप्त हो गया तो उसके काफी दिनों बाद अब मीडिया से रूबरू हुए, मान लीजिए दो बार अब आए, हाँ, हल्का फुल्का, तो आज अब जब प्रेस से रूबरू हो रहे हैं तो तमाम लोग मन में ये आशंकाएं चल रही है, क्या भदोही आपका अगला राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है क्या? भदोही के लोगों ने जो प्रेम दिया है वो एक मेरे ऊपर आजीवन का कर्ज होगा। एक नए चेहरे को एक नए चुनाव निशान पे इतना पर्याप्त वोट देना, इस तरह से चुनाव लड़ाना, ये निश्चित रूप से एक अनोखा अनुभव हमारे लिए भी था और मुझे लगता है भदोही के लोगों के लिए भी था। ये भदोही का दर्द, अब मेरा फर्ज बनता है कि उसको मैं अपना दर्द मानूं। यहाँ पे किसी तरह का संकट हो, किसी तरह की तकलीफ हो, ये फर्ज बनता है कि हम लोग कम से कम कंधे से कंधा मिला के भदोही की जनता के साथ खड़े रहें और उनकी आवाज बन के जहां तक पहुंचा सके वहां तक आवाज पहुंचाना हम लोग का फर्ज और धर्म बनता है। अभी आपने किसानों और जनता की बात की है, यहाँ एक मीडिया मास्टर प्लान आया है, उसमें शहर और शहर के आसपास के गांव के लिया गया है, बीच में किसानों को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया है, नहीं उसमें बेग साहब थे, उसमें बेग साहब आवाज उठा रहे थे, और यही सब करने के कारण राजनीतिक द्वेष के चलते उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से मास्टर प्लान जो बनता है वो जनता और जो उसमें सारे, चाहे उसको लाभार्थी कहिए, चाहे जो कहा जाता है